ये रिश्ता क्या कहलाता है और बालिका वधू जैसी टीवी शोज के फेमस हुई एक्ट्रेस शिवांगी जोशी आजकल साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में अपने पहले रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 की शूटिंग कर रही हैं। आज तक की टीम ने केप टाउन में इस रियलिटी शो के सेट पर शिवांगी जोशी से खास मुलाकात की। इस दौरान शिवांगी ने खतरों से भरे इस रोमांचक शो से जुड़ने के दुख, दर्द और खुशियों के बारे में खास बातचीत की। खतरों के खिलाड़ी 12 के बारे में शिवांगी का कहना है, ये शो मेरे सभी शो से बहुत अलग है और मैं वो सब से कर रही हूं जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं की और करूंगी भी नहीं। सभी कंटेस्टेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं और खतरनाक स्टंट्स करते हुए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। मेरे साथ बाकी और 11 लोग भी अपनी हद पार करके अपने डर को काबू कर रहे हैं। चोटें हम सबको लगी हैं और कहां कहां लगी हैं ये तो हम बता भी नहीं सकते। कंटेस्टेंट्स को आई चोटें, शिवांगी ने आगे कहा, गिने चुने कंटेस्टेंट्स ही होंगे जिन्हें कुछ नहीं हुआ है, बाकी हम सभी घायल हैं। मेरे साथ कनिका, निशांत, रूबीना को सबसे ज्यादा चोटें आई हैं। हाल ही में सीधे बैठने में भी हमें दिक्कत हो रही है, कमर में दर्द है, कंधे में दिक्कत है, हाथ सीधा नहीं हो रहा, बहुत दर्द है, लेकिन इस दर्द का भी एक अलग ही मजा है। लेकिन यहाँ जो चीखें और रोना निकला है वो बिल्कुल असली है। मेरा वो रूप एपिसोड्स में दिख रहा है जो अब तक कभी नहीं दिखा, लेकिन ये बिल्कुल असली है। शिवांगी ने कहा, कुल मिलाकर शो में सबकी कंटेस्टेंट्स बहुत मजबूत हैं और सभी ने खतरों का सामना डटकर किया है। मुकाबला बहुत मुश्किल है लेकिन कंपटीशन हेल्दी है। खतरों के खिलाड़ी शो में घायल होने के बावजूद शिवांगी के फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि शिवांगी सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियोस शेयर कर रही हैं। इनमें ज्यादातर वीडियोस में केप टाउन की खूबसूरती दिखती है जिनमें वो अपनी रियलिटी शो के साथियों संग डांस करती नजर आती हैं।